जिस किसी को भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और जिसका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आज हम एसएसटी सब्जेक्ट जो है उसका ओल्ड पेपर देखेंगे। 29 अक्टूबर को जो है ये पेपर लिया गया था, 29 अक्टूबर 2018 का पेपर है, तो इसका हम एनालिसिस आज करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ही जो है हम सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करेंगे, वो भी एसएसटी सब्जेक्ट से। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको अच्छे से इसके क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, इस क्वेश्चन पेपर का स्तर क्या था एक बार आप देख लेना, देन उसकी तैयारी आप शुरू करना। ओके, तो मैं एसएसटी सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर जो है रीड करने जा रही हूँ और उसके आंसर भी आपको बताती जाऊंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी है? तो वह दी है मोहनदास गांधी, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे, तो गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक जो थे एक क्षत्रिय थे। थर्ड है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो सूफियों के 14 संप्रदाय थे। कितने थे? अबुल फजल के अनुसार सूफियों के 14 संप्रदाय थे। यूनानी नाम अमित्रा चेट्स किस मौर्य शासक का समानार्थी है? तो वह है किसका? बिंदुसार का। आंसर हो जाएगा इसका तीन। खूनी रविवार की घटना के समय रूस में झार कौन थे? तो खूनी रविवार की घटना के समय रूस के झार थे निकोलस सेकंड। कौन थे? निकोलस सेकंड थे। कबीर के गुरु थे? कबीर के गुरु थे सेकंड रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 को सम्मिलित किया गया था। एट क्वेश्चन है, तृतीय एस्ट्रिस ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था? तो तृतीय एस्ट्रिस ने फ्रांस में स्वयं को 17 जून 1789 को जो है असेंबली घोषित किया था। तो उसका हो जाएगा वन। मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 1664 में लूटा था। इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इबादत खाने की स्थापना 1575 को की गई थी, 1575 को की गई थी। आंसर उसका हो जाएगा सेकंड। 11 क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी पावा में। और ये कुशीनारा किससे संबंधित है? कुशीनारा महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था। दांडी यात्रा शुरू हुई थी, दांडी यात्रा इसका हो जाएगा आंसर फर्स्ट, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और कब पूरी हुई थी, खत्म कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 14 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 15 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण धोलावीरा से मिले हैं, और लोथल से तो हमें बंदरगाह मिले हैं। 16 क्वेश्चन है, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब अंगीकृत की गई थी? तो अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में अंगीकृत की गई थी। लोथल को किसने खोजा था? लोथल को एस आर राव ने खोजा था। आंसर हो जाएगा तीन। मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 से और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम शाहजहां ने शुरू किया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध थे शाक्य धर्म से संबंधित थे। 20 क्वेश्चन है हमारा, इसमें सम्मिलित करना है, इसमें कौन सा गलत है वो हमें जो है देखना है। तो इसमें थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कैनेली हैवेसाइड, परत डी है जो क्या है रॉन्ग है। 21 क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक जैन जनसंख्या जो है उदयपुर में है। राजस्थान में भौतिक आकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अ और ब, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अ और ब जो है सही है। थार मरुभूमि में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्द महरों कहलाते हैं, और स सही है इसमें, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में इसे डोरा पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा है। पाट क्षेत्र अवस्थित है, तो पाट क्षेत्र
छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। जी तो इसका हो जाएगा अ ब और स जो है सही है, बाकी द जो है हमारा रॉन्ग है। ओके 25 क्वेश्चन है हमारा। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। 105 डिग्री कैसे आया, 180 में से हमने क्या कर लिया 75 को जो है माइनस कर लिया, तो क्या आ जाएगा हमारा 105 डिग्री पश्चिमी। ओके परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती है, तो वह पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है, तो टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत जो है ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 1। चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है, तो लघु ज्वार जो आता है वह कुबड़ा और उबड़ा गिब्बस में आता है। 29 क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है, तो वह परिणाम है हम इसका आंसर हो जाएगा हमारा महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। नेक्स्ट खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ खनिज है, यहाँ पे मुख्य उसके जिले हैं। ओके तो अ है पायरेट, हमारा मिलता है सीकर में, तो अ का दो किस्में हैं, तो अ का दो इसमें सभी सब में ही है। और बेंटोनाइट जो है मिलता है बाड़मेर और बीकानेर में, बेंटोनाइट बी का हो जाएगा हमारा 3, तो बी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। ओके और स्लेट पत्थर जो है अलवर में है, तो क्या है पायराइट सीकर बेंटोनाइट बाड़मेर बीकानेर लिथियम हो जाएगा अजमेर और स्लेट पत्थर हो जाएगा अलवर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd फेरल के निम्नानुसार पव ने अब उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाई और पक्षी विक्षेपित हो जाती है, तो ये बाई और नहीं होती, विक्षेपित दाई और होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है, तो महासागरीय धाराओं के महत्वपूर्ण कारक है इसका हो जाएगा हमारा अ ब और स। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है, तो वह है झारखंड जो है भारत में लाख प्रधान का उत्पादक राज्य है। छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं वह कहलाती हैं समांतर अपवाह का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1st पांडी और बेड़ा जो है सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर वाली और नागौर ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा हमारा मचगा डॉक लिमिटेड मारमा गांव जो है सुमेलित नहीं है। किस सतह को एल्विडो सर्वाधिक होता है, तो ताजागिरी बर्फ में एल्विडो जो है सर्वाधिक होता है। उपभोक्ता के सामने बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1st MRS XY और PX/PY जो है राइट हो जाएगा। संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होती है। 41 क्वेश्चन है हमारा। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे, तो पीसी महालनोबिस जो थे वास्तविक शिल्पकार थे। निम्न में से कौन सी तटस्था वक्र की विशेषता नहीं है, तो तटस्था वक्र की विशेषता वह परस्पर समांतर होते हैं यह नहीं है, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 में हुआ था जब कौन थे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह थे, तब हुआ था। ओके साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, तो साधन इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष प्लस अनुदान। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 क्वेश्चन है। किसी वस्तु के उत्पादक की पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए, तो
वस्तु की कीमत को जो है स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 3। सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य में लगाया जाता है? तो विनियम के का माध्यम में, किसमें? विनियम के माध्यम में। 47 क्वेश्चन है हमारा। व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं वह कहलाते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तु सेवाओं में निर्यात में सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से 49 क्वेश्चन है, निम्न में से किसी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो मूल्य हास्य को सम्मिलित नहीं किया जाता विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है आर्थिक कल्याण का सूचक है। 51 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना जो है नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, तो साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है न्यूनतम उदार दरें। भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति जो है 2015 से 2020 तक समयावधि है इसकी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? तो एनएसएसओ जो है बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता है? तो गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता है कैलोरी उपभोग। 56 क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना। इसका आंसर हो जाएगा 2। समान मांग वक्र पर निम्न नीचे की ओर गति दर्शाती है। समान मांग वक्र पर नीचे की गति दर्शाती है मांग का विस्तार। आंसर हो जाएगा इसका 57 का हो जाएगा 58 क्वेश्चन है, किस राज्य की राजनीति वोगालिका और लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा रूसो। 59 का हो जाएगा 1, रूसो। 60 क्वेश्चन है हमारा, हनबन टोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं? तो वह है हमारा श्रीलंका के साथ। 61 क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं है। तो वह हो जाएगा असम, मेघालय और तमिलनाडु। 61 का हो जाएगा 2 आंसर। 62 हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हिंसा के उन्मूलन में ऑपरेशन कूट का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है इसका नाम था। 63 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशिष्टता उल्लेखित नहीं है? तो हमारी उद्देशिका में समाजवादी है, गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष, बट संसदीय जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, संसदीय। 64 क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो इसका आंसर जो है हमारा केवल एक रहेगा, बाकी जो है गलत है। ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। 65 क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतर स्थापित किया गया था? तो 44 जो संशोधन था उसमें मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतर स्थापित किया गया था। 66 क्वेश्चन है, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? तो वह है इसका अन्ना आरेंट ने किया है। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, 1 और 2। वन है, भारत के संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। 2 है, इसमें मेनका गांधीवाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं। तो इसमें क्या है जो है, ये दोनों कथन जो है सही है, 1 और 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 67 का हो जाएगा 4। 68 क्वेश्चन है हमारा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक
समिति बनानी होती है जिसका नाम है आंतरिक शिकायत समिति। 69 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिपेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? क्या नहीं है? तो वह मान के राजनीति सिद्धांत का विकास जो है नहीं है। 70 क्वेश्चन है हमारा, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राजनीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता साम्यभाव संविधान के मूल ढांचे का अनावश्यक लक्षण है? तो वह हो जाएगा मिनर्वा मिल्स वाद में ही यह कहा गया है। नीति निर्देशक के बारे में किसमें कहा गया है? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा गया है। 71 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचाने जो स्थायी समिति नहीं है। स्थायी समिति कौन सी नहीं है? महिला सशक्तिकरण समिति जो है स्थायी समिति नहीं है। 72 क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्षवाद जो है संबंधित नहीं है। शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता कहलाती है, तो शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता सत्ता कहलाती है। 73 का हो जाएगा हमारा सत्ता। 74 है, राज्य के नीति निदेशक के निम्नांकित निदेशक तत्वों में से कौन सा 1/42 संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित नहीं किया गया? राज्य विशिष्टताएं आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित नहीं किया गया। 75 क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण को का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? तो वह आसियान है। क्या आ जाएगा? आसियान 3 इसका आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन यह है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, तो यह है इसका आंसर जो है फोर्थ रॉन्ग है। 76 का हो जाएगा फोर्थ। 77 क्वेश्चन है हमारा, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये कहा था F.H. गिडिंग्स ने कहा था। 78 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 77 का एक 78 क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। 78 का हो जाएगा फोर्थ। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? परिवार का वर्गीकरण का आधार वंशावली, धर्म, निवास संरचना। वंशावली संरचना निवास है बट धर्म नहीं है। 80 क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ये किसने कहा था? ये मजूमदार और मदन ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। 81 क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? तो ये बुगार्ड्स ने कहा था। 83 क्वेश्चन है हमारा, हिंदू इसका किनशिप फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हो जाएगा PH प्रभु। सेकेंड है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा हमारा KM कपाड़िया। थर्ड है इंटर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, तो ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न मार्क हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रावती करवे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 83 का फर्स्ट। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है, जो अर्जित मतलब हम जो अर्जित करते हैं ना वह होती है शिक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 85 है, जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो वह कहलाता है भूमिका संघर्ष। क्या है 86 का, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायों के 6 आयामों की व्याख्या की थी? टी के उमन ने की थी। समाजशास्त्री मानवीय अंतःक्रिया और अंतर संबंधों और उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है, तो ये कहा था मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, वह एक समूह का निर्माण करते हैं, ये किसने परिभाषित किया था? तो ये कहा था ऑगबन एवं निमकॉफ ने कहा था। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा कुनार मिडॉल ने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा
90 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ होते हैं, बट संस्कार जो है कोई भी पुरुष का पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, संस्कार। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था का सुधार जो है यह नहीं दर्शाता है। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवासन ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण। 93 क्वेश्चन है हमारा, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिनेशन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 94 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन में रैखिक सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो पैरेटो का जो है रैखिक सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है। 95 क्वेश्चन है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रेरणा है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रेरणा कौन है? वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रेरणा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 अगस्त कांट जो है वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रेरणा है, वैज्ञानिक अध्ययन विचार के प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः मानव कल्याण की उन्नति में, सामाजिक क्रिया व्यवहारों के नियमित में, समाज के विकास एवं कार्य हेतु समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में 96 का हो जाएगा 4th। 97 है, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एलडी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो वो समर्थन करते हैं एकीकृत फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, लोक प्रशासन एक अध्ययन के रूप में, लोक प्रशासन एक नीति के रूप में, तो लोक प्रशासन एक में सुधार लाने में एक उपकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। 99 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का संबंधित है से संबंधित है? तो अनूठे का नियम जो है मानसिक क्रांति ये संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा 1। पणिवर्णी शब्द पोस्ट कॉर्प में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश और निर्देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। 101 क्वेश्चन है, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में माना जाता है, उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया, इसका आंसर हो जाएगा 101 का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है 102, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, औपचारिक संगठन संरचना, प्रशासन की प्रक्रिया, आर्थिक मानव की अवधारणा और संगठन की सिद्धांत। ठीक है, तो मानव के संबंध का सिद्धांत जोर देता है 1, 3 और 4 बता देता है, लोगों पर, संगठन के सिद्धांतों पर, अनौपचारिक समूह पर। 104 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो प्रथम प्रशासनिक आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? तो टेलर को जाना जाता है। भारतीय संसद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2005 में। एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है वह है मनोबल, तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जिलाधीश का मूलतः है, एक जिलाधीश जो होता है एक सामान्य के अधिकारी होता है। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही के निम्न में से कौन सी सेवा अनुबंध के आधार पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें, गुलिक, टेलर, मैस्लो, साइमन, तो किसने क्या दिया था? टेलर ने तो निर्णय निर्माण ही दिया था, स का क्या हो जाएगा 3, स का 3 सिर्फ इसी में ही, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो गुलिक ने दिया था मानव आवश्यक पद सोपान, साइमन ने दिया था ब का हो जाएगा 1 पोस्ट कॉर, स का हो जाएगा निर्णय निर्माण और द मैस्लो का हो जाएगा कार्य विज्ञान का विकास। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन से संबंधित है? तो इसमें सिर्फ एक ही कट जाएगा, राज्य सभा के सभापति कट जाएगा, बाकी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कहाँ है? 1, 3 और 4 ही 3 है, इसका 111 का हो जाएगा 3 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं, इसका हो जाएगा 2, 3 और 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का हो जाएगा 3। हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक हैं, तो हर्ट्जबर्ग के अनुसार प्रेरक हैं वेतन, पहचान, मानता, उत्तरदायी कार्यदशा या उपलब्धि। तो हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, इसका आंसर हो जाएगा 114 क्वेश्चन है, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार है कर्तव्य कर्तव्य के लिए, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो बौद्ध मत के चतुर्थ सत्य को व्यक्त करता है दुख निरोध मार्ग व्यक्त करता है। 116 क्वेश्चन है हमारा, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है, तो है सुधारवादी। 116 का हो जाएगा 4। सुकरात के अनुसार ज्ञान है, सुकरात के अनुसार ज्ञान है सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है, परम पुरुषार्थ है, तो परम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष है। 118 का हो जाएगा 4। 119 क्वेश्चन है हमारा, नैतिक कर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी होता है, नैतिक कर्ता जो है स्वसंकल्प कर्म होता है नैतिक कर्ता, तो प्लेटो को स्वीकार्य है, प्लेटो को मुख्य सद्गुण स्वीकार्य है। 121 क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें हमें, स्थूल उपयोगितावाद किसने दिया था, तो स्थूल उपयोगितावाद दिया था बैंथम, था इसमें तो था इसमें भी है बैंथम, स्थूल बैंथम। ए का हो जाएगा 3, ए का ए 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा ए का 3। बी का एक सुसंस्कृति उपयोगितावाद मिल है, और सी का हो जाएगा मुख्य सद्गुण जो है प्लेटो है, मुख्य सद्गुण दिया था इसने। डी का हो जाएगा 2, निरपेक्ष आदेश, निरपेक्ष आदेश किसने दिया था, कांट ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का हो जाएगा 2। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है, तो आत्मा को कहा गया है जागृत अवस्था में वैष्णवर कहा गया, इसका आंसर हो जाएगा 1। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है मोक्ष को उन्मुख करना, समाज और व्यक्ति में सर्वांगीण विकास करना, समाज और व्यक्ति में सर्वांगीण विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य वर्णाश्रम का, इसका आ जाएगा 2। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, उपयुक्त सभी में पाई जाती है वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति। सही युग्म का चयन करो, तो सही युग्म है बैंथम, सुखों में गुणात्मक वेद, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। देकार्ते के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के स्रोत हैं, तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा सहजमन एवं निगमन, इसका आंसर हो जाएगा। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षण कहा गया है, तो वह हो जाएगा वरुण। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो स्थित प्रज्ञ वह है जो सफलता और असफलता में संभाव रखता है, जगत में संन्यास लेता है, धार्मिक कृत्यों का संपादन करता है, भोग शक्ति की इच्छा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफलता और सफलता में संभाव रखता है। 128 का हो जाएगा 3। जैन दर्शन पंचव्रत हैं, जैन दर्शन में पंचव्रत हैं सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह और ब्रह्माचर्य, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 129 का हो जाएगा 4। गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष, सत्य ईश्वर का भिन्न है, हिंसा हिंसा का अभावग्रस्त है, तो इसका हो जाएगा सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष, ये जो हो जाएगा रॉन्ग। 131 क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए साधन के रूप में, सिर्फ साधन के रूप में ही किया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, उपयुक्त सभी में शिक्षण में भी कर सकता है, वह शैक्षिक निर्देशन परामर्श में कर सकता है, परीक्षा कार्य में भी कर सकता है, तो उपयुक्त सभी में कर सकता है। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, तो इसमें सभी सम्मिलित हो सकती हैं, अभिनय व्यक्तिगत कार्य और सामूहिक कार्य सभी सही हैं इसमें। सामाजिककृत अभिव्यक्ति सोशल रेस्टिट्यूशन मेथड के सामाजिककृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, समय बचता है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है, विद्यार्थी को निश्चित दिशा मिलती है, समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा 134 का हो जाएगा हमारा 4। 135 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है व्यक्ति से, समाज से, प्रशासन से, दर्शन से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समाज से। किसी भी विषय को अन्य विषयों से सहसंबंध कर पढ़ाना कहलाता है,
अधिगम में स्थायित्व आता है इससे क्या होता है, क्योंकि अधिगम में स्थायित्व आता है। क्वेश्चन क्या, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 137 का हो जाएगा, इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता है, इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करके सीखना स्थायी होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधि होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। 140वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? सामान्यीकरण जो है समान है, फोर्थ हो जाएगा। एनसीए 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय में के द्वारा विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसमें वह सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। 142वां क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रसन्न व्यक्तित्व होना, दे शाटन से प्रेम करना, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, तो क्या हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण या, तो इसमें तैयारी हो जाएगा, तैयारी जो है चरण नहीं है। 144 में जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन में अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है? तो इसमें आरंभ हो जाएगा जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होता है, हम सामने जाके जो है ज्ञान अर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो उचित व्यवहार के लिए क्या करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जितने भी बच्चे की प्रशंसा करेंगे उतना वो क्या होगा, बच्चा उचित व्यवहार करेगा। अगर उसको ज़्यादा दंड देंगे उसको तो उचित व्यवहार नहीं करेगा। 37 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो सबसे बड़ा टॉपिक होता है तो व्याख्यान विधि ही उपयुक्त होती है। 148 क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो वह होना चाहिए सामाजिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट है 149, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति विकसित करना, ठीक है। 150 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षक सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह हो जाएगा हमारा पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अगर कोई सा भी आपको क्वेश्चन जो है आंसर गलत लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर का है, आप मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको, आंसर की बता दी है, इसको आप एक बार देख के एनालिसिस करके देन ही आप अच्छे से सेकंड ग्रेड की जो है तैयारी करना। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।